Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. आज के वीडियो में मैं मेकअप करने वाली हूँ लैक्टिक एलेमेंट से. मैंने यहाँ पे लैक्टिक एलेमेंट से एक क्विक मेकअप दिखाया है जो आप एवरीडे कर सकते हो क्योंकि लैक्टिक एलेमेंट हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है. मैंने एक वीडियो लैक्टिक एलेमेंट के ऊपर ऑलरेडी बनाया, आप यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हो. लैक्टिक एलेमेंट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम इसे अगर डेली क्विक मेकअप में यूज करें तो हमारा स्किन बहुत अच्छा रहेगा. ये मेकअप बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज भी नहीं किए हैं, कोई भी फाउंडेशन और कोई भी कंसीलर नहीं है. लैक्टिक एलेमेंट की मदद से मैंने ये मेकअप किया है आज. जो आप ऑफिस जाते वक्त या कॉलेज जाते वक्त या कहीं पे भी कुछ फंक्शन अटेंड करने में आप इसे यूज कर सकते हो. हाँ, अगर आप फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि हाइलाइटर, कॉन्टोरिंग वगैरह वगैरह. मुझे ये लुक क्रिएट करने में बहुत मजा आया. मैंने वैसे भी मेकअप लुक बहुत दिनों के बाद किया है. सो लैक्टिक एलेमेंट बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट है. सो इस मेकअप लुक को आप जरूर देखिएगा. और देखने से पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो, सो हाय, माय नेम इज श्रीजा. प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करते वक्त सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन आएगा, उसे भी जरूर क्लिक कीजिए सो दैट यू नो एवरी टाइम आई पोस्ट माय वीडियो. विद दैट लेट्स हेड टुवर्ड्स टुडेज वीडियो. सो हाय अगेन. सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिनिक सर्ज का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ. मॉइस्चराइजर मेकअप लगाने से पहले लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो इसे आप बिल्कुल ना भूलिए, पूरे फेस और अपने गले में जरूर लगाइए. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ हमारा मेन प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एलेमेंट. ध्यान रखिए कि आप ज्यादा ना लें. यहाँ पे मैंने ज्यादा लिया इसलिए मैं बॉटल में उसे वापस डाल रही हूँ. थोड़ा सा लीजिए और उसके बाद उसे अपने फेस में पूरी तरह से अच्छे से डॉट कीजिए, स्पेशली आंखों के नीचे जहाँ पे डार्क सर्कल्स हो या नियर द माउथ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन. और उसे अपने हाथों से अच्छे से ब्लेंड कीजिए. जो बचा कुछ है मैं अपने हाथों में लगा रही ताकि वो वेस्ट ना हो. और उसके बाद जो हमने अब फेस में डॉट किया है उसे आप अपने हाथों से अच्छे से ब्लेंड कीजिए. अगर आप चाहते हैं तो आप इसी स्टेप के बाद स्टॉप कर सकते हैं. मैं एक और कोट लगाना चाहती थी इसीलिए मैं यहाँ पे इसे प्रॉपरली ब्लेंड करने के बाद एक और बार लैक्टिक एलेमेंट लेने वाली हूँ. और उसके बाद उसे भी मैं अच्छे से पूरे फेस में डॉट करने के बाद अपने हाथों से टाइम लेकर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. लैक्टिक एलेमेंट एक वाइट कास्ट लीव करता है, सो अच्छे से ब्लेंड कीजिए. मैंने बहुत टाइम लेके ही ब्लेंड किया था. एंड अपने हाथों से कीजिए, ब्रश से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता. और यहाँ पे है कंप्लीट रिजल्ट, ये है लैक्टिक एलेमेंट ब्लेंड करने के बाद, आप देख सकते हैं. और उसके बाद मैं यहाँ पे मैक स्टूडियो फिक्स सेटिंग पाउडर लेने जा रही हूँ. आप चाहे तो लूज पाउडर भी ले सकते हैं. और यहाँ पे मैंने रियल टेक्निक का ब्रश लिया है और उसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस में जो मैंने लैक्टिक एलेमेंट लगाया है उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ. इसे आप ना भूलिए, लैक्टिक एलेमेंट के ऊपर सेटिंग पाउडर नहीं तो कोई भी लूज पाउडर लगाना बहुत बहुत जरूरत है, नहीं तो वाइट कास्ट कंप्लीटली पॉपअप करता रहेगा. सो ध्यान रखिए कि आप सेटिंग पाउडर जरूर यूज कीजिए, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, एनीथिंग जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उसे आप यूज कीजिए और अच्छे से सेट कीजिए, टाइम लेके करिए. और फिर मैं यहाँ पे मेरा फेवरेट ELF आईब्रो किट लेके उसमें से जो डार्क शेड है उसे लेके अपने आईब्रो में जहां जहां पे भी गैप है उसे पूरा फिलिंग करने वाली हूँ और अपने आईब्रोज को प्रॉपर एक शेप भी देने वाली हूँ. आईब्रो फिलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एक डेली रूटीन स्टेप होना चाहिए. अगर आपके आईब्रो फिलिंग नहीं होते तो मेकअप बहुत ही डल लगता है. इफ यू आर अ मेकअप फ्रीक देन यू मस्ट फॉलो दिस स्टेप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल ऑल द गैप्स इन द आईब्रो. और ऐसे ही मैं दूसरे आईब्रो में भी कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने कवर गर्ल का ब्लश पैलेट लिया है, उसमें से जो लाइट पीच कलर लेके विद द टिप ऑफ माय फिंगर आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माय आईलिड, एक ब्यूटीफुल नेचुरल शेड देने के लिए. और यहाँ पे मैं काजल ले रही हूँ फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक काजल और आंखें बंद करके मैं लगा रही हूँ ताकि लो वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों में इजिली आराम से लग जाए.
और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके उसे थोड़ा थिक कर रही हूँ. दिस इज ऑल्सो योर चॉइस, आप चाहते तो वैसे ही छोड़ सकते हैं. मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके थिक करे जा रही हूँ बिकॉज आई लाइक थिक काजल. और उसके बाद यहाँ पे मैंने रिमल का मस्कारा लिया है और आराम से मैं टॉप लैशेस और लोअर लैशेस में लगा रही हूँ. मस्कारा भी कभी नहीं भूलना चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप काजल भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं, अगर आप काजल आईलाइनर नहीं लगाना चाहते, ऑलवेज रिमेम्बर टू अप्लाई मस्कारा. मस्कारा एंड आईब्राउ फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मे का ये ब्लश किट लिया है जिसमें थोड़ा सा हाइलाइटर है और उससे मैं अपने चीक्स में, टिप द नोज, फोरहेड और चिन में भी लगा रही हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लश पैलेट है. एंड देन फाइनल स्टेप, मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का लिपस्टिक जो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट कलर, पिंक कलर है जो समर में सूट करता है. और अब मैं अपने बाल सेट करके वापस आती हूँ. So guys, I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. Lactic 11 is very good for the skin. इससे अगर आप डेली मेकअप करेंगे तो मेकअप बिल्कुल आपकी स्किन में एंटर नहीं होगा और मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है. सो Lactic 11 से मेकअप आप जरूर ट्राई कीजिएगा. इसे लगाने से पहले आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है. अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर और अगर आप चाहते हैं तो आप सनस्क्रीन लोशन भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप Lactic 11 लगा सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सारे प्रोडक्ट्स के नाम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो प्लीज हैव अ लुक एट इट बिफोर यू गो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग बिग थम्स अप. आई एम गोना सी यू ऑल सून विद मोर वीडियोस. टिल देन बाय.